Today is fifth. And we have to start with a new chapter, that is Principles of Inheritance. Principles of inheritance and variations. तो सबसे पहले हम आ जाएं कि what do you mean by inheritance? Inheritance होता है passing of characters. Passing of characters. From parents to their offspring. That is called as inheritance. उसके बाद इससे मतलब same character जो parents के थे same characters अपने बच्चों को pass करती है वो है inherit करना. हमने parents से ये चीज inherit की है, right? उसके बाद है वेरिएशन. कभी भी जो बच्चे हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू कॉपी बिल्कुल कार्बन कॉपी है अपने पापा की या अपने मम्मी की, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ कैरेक्टर्स मदर के होंगे, कुछ फादर के होंगे और कुछ उन दोनों से अलग होंगे, क्योंकि जब दोनों की जीन आपस में इंटरेक्ट करेगी तो कोई नया कैरेक्टर भी प्रोड्यूस हो सकता है. सो व्हाट आर वेरिएशन? Differences in the characters of the offsprings. Offsprings means जो उनके बच्चे हैं. As compared to their parents. That are called as variation. उसके बाद then there is genetics. Branch of science which deals with inheritance. And variation that is called as genetics. Term genetics, it was coined by Bateson. Whereas father of genetics, जिसने सबसे ज्यादा काम किया है जेनेटिक्स से या इनिशियल टाइम पे जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया है वो है ग्रिगोर जोहन मेंडल. बेटा जब ग्रिगोर जोहन मेंडल ने मिड 19th century है ना 1865 से 1856 टू 1865 इस तरह इस दौरान जो है उसने काम किया, ठीक है? तो जब उसने ग्रिगोर जोहन मेंडल ने जेनेटिक्स से उसने बताया जीन्स क्या है या जीन्स के बारे में तो नहीं फैक्टर्स उसने कहा बट इनहेरिटेंस क्या होती है वेरिएशन कैसे है उसने थोड़ा सा इस बारे में बताया कैसे प्रोसेस है इनहेरिटेंस की ये उसने बताया, राइट? तो पर इससे पहले भी लोगों को क्या पता था, लोगों को पता था कि भी कैसे एक मिनट
कैसे हम ऑफस्प्रिंग्स के करेक्टर्स बेटर कर सकते हैं, कि दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिफोर ग्रिगोर जोहन मेंडल पीपल नो दैट इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स. सो दे यू नो फॉर्मुलेटेड द मेथड ऑफ सिलेक्शन की सबसे पहले बेटर पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाए, जिनके करेक्टर्स बेटर है वो पेरेंट्स लिए जाएं, उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग करवा के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो हुए, उनमें से फिर बेटर की सिलेक्शन हो, उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग कराए, फिर इस तरह से देन आफ्टर सेट मतलब सेवरल टाइम्स ऑफ सेलेक्ट यू नो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन अ बेटर वेराइटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस. ये लोगों को ग्रिगोर जोहन मेंडल से पहले भी पता था, है ना. प्लांट्स में लोग करते थे आपस में हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट्स की डिफरेंट प्लांट्स भी करवाते थे, फिर उसमें से सिलेक्शन करते थे, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर सिलेक्शन, इस तरह तीन चार जनरेशन के बाद बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिल जाते थे. दे यूज टू डू, ठीक है. पंजाब में एक साहिवाल काओ है ना, कैटल है साहिवाल, ठीक है. दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन विच इज हाई यील्डिंग, ठीक है जी. तो ये बहुत पहले से होता था, बट दे डोंट नो कि हाउ दिस अकर्स, हाउ इनहेरिटेंस अकर्स, इसके पीछे क्या लॉज है क्या नहीं है, ये नहीं उन्हें क्लियर थे. अदरवाइज दे यूज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यू नो एंड सिलेक्शन टू प्रोड्यूस बेटर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, राइट. बट ग्रिगोर, ऐसा नहीं कि ग्रिगोर जोहन मेंडल से पहले लोगों ने ग्रिगोर जोहन मेंडल की तरह काम नहीं किया, बहुत लोग कर रहे थे बट दे कुड नॉट रीच ऑन द स्पेसिफिक कंक्लूजन. वो कंक्लूजन नहीं, कोई लॉज नहीं दे पाए. क्यों, दोनों में क्या फर्क था मेंडल ने और बाकियों में. सबसे पहले तो मेंडल एक मैथमेटिशियन था, उसने अपना डाटा सिर्फ एज डाटा नहीं रखा, उसने प्रोबेबिलिटी के बेस पे मैथमेटिकली स्टेटिस्टिकली अपने डाटा को एनालाइज किया. इसका क्या मतलब है, लेट अस से हम कहते हैं, हम आपको कहें कि एक सिक्का उछालो तो 50% चांसेस है कि टेल आए और 50% चांसेस है कि हेड आए. आप दो बार उछालते हो और दोनों बार टेल आ जाते हैं, आप मुझे कहोगे आप तो गलत हो, कहां ये तो 100% टेल ही आएगा, ठीक है. मैं कहूंगी नहीं, दो बार ही से नहीं पता चलेगा, जितनी ज्यादा बार आप 50 times करो, 100 times करो, 200 times करो, तब जाके तकरीबन 50-50 प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है. एक बार में करके, दो बार में या 10 बार में करके नहीं आएगा, बहुत बार 100 बार 200 बार करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ 50 times टेल आया, 50 times हेड आया, ठीक है. बाकी साइंटिस्ट ने ये काम नहीं किया. जो मेंडल था, बिकॉज ही वॉज ए मैथमेटिशियन एंड नेचुरलिस्ट, जो नेचर को स्टडी करता है, दैट्स वाई ही कैलकुलेटेड हिज डाटा स्टेटिस्टिकली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिकली उसने डाटा किया. उसके बाद उसने, और क्या उसका क्या डिफरेंट था, कि उसने अपना फील्ड साइज बहुत रखा, उसने एक प्लांट पे काम करके नहीं लॉ निकाल दिया, उसने बहुत सारे प्लांट्स पे काम किया, फिर देखा कि हाँ मैक्सिमम प्लांट्स में ये चीज आ रही है तो यही लॉ होगा या यही मेन है, बाकियों में हो सकता है कुछ गलती है. तीसरी बात, उसने एक प्लांट पी प्लांट पे काम किया और उसने जो करेक्टर स्टडी किए उसने सारे करेक्टर्स एक साथ ही स्टडी कर दिए. हम आपको भी कहते हैं कि वन बाय वन काम करो, ऐसा मत करो कि सारे काम छेड़ के बैठ जाओ और कुछ भी ना आगे रिजल्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है. तो उसने भी ऐसे किया कि एक अगर हम हाइट स्टडी करें तो बाकियों को छोड़ दो, उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, सिर्फ हाइट की तरफ ध्यान दो, ठीक है. सो ही स्टडीड हिज यू नो एक्सपेरिमेंट, ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन ए वेरी यू नो इन ए मेथडोलिकली वे, जो है एक प्रॉपर मेथड से उन्होंने जो है वो काम किया, ऐसे नहीं हैफजर्ड कुछ भी नहीं किया. ही स्टडीड वन करेक्टर एट वन टाइम, राइट. अनदर इज कि उसने पी प्लांट सेलेक्ट किया एंड बाय चांस, या हम कहें ही वाज वेरी इंटेलिजेंट टू सेलेक्ट, पहले उसने ना 21 करेक्टर सेलेक्ट किए थे कि मैं 21 करेक्टर स्टडी करूंगा, बट 21 करेक्टर उससे सारे करेक्टर्स में ना सेम सी चीजें नहीं आ रही थी, वेरिएशंस बड़ी आ रही थी. फिर उसने वो वाले करेक्टर्स, पहले 21 से वो 14 पे, 21 से 14 करेक्टर्स पे आया और 14 से फिर वो 7 करेक्टर्स में आया,
वो सेवन करेक्टर जो डिस्टिंक्ट थे, टॉल हाइट, ड्वार्फ हाइट, ग्रीन कलर, येलो कलर, एक्सियली, टर्मिनली, इस तरह से उसने सेवन करेक्टर स्टडी किए जिनकी जो टू फॉर्म्स थी वो बहुत डिस्टिंक्ट थी, वो बहुत अलग अलग थी, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी. ठीक है, तो दैट इज व्हाई, दीज वर द रीजन व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल. राइट, पहले आप ये तीन पॉइंट्स लिखो, फिर मैं कुछ आपको और लिख पाती हूँ. राइट डाउन दीज थ्री पॉइंट्स. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इन अबाउट 8000 टू 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, इन 8000 टू 1000 बीसी पीपल न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेरिएशन. लिख लो साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी हिस्ट्री ही है. न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेरिएशन. दे सिलेक्टेड parents of better characteristics then hybridization jo selected parents the it is resulting प्रोजेनी फॉलोड बाय सिलेक्शन ऑफ बेटर प्रोजेनी फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन. बेटर प्रोजेनी मतलब बेटर प्रोजेनी का ब्रैकेट में लिख लेना विद डिजायरेबल करेक्टर्स जो हमें चाहिए है. बेटर प्रोजेनी मीन्स विद डिजायरेबल करेक्टर्स. फिर लिख लो बाय दिस वे After 2 to 3 generations, they were able to get a variety of plant or animal which has many desirable characters. For example, by artificial selection and hybridization, of wild cows, people were able to produce Sahiwal breed of cow, which is still domesticated in Punjab.
तो नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखना है. देयरफॉर इट इज क्लियर दैट अवर एंसेस्टर्स न्यू, अवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. बट हैड लेस नॉलेज और नो नॉलेज अबाउट साइंटिफिक बेसिस ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. बट हैड लेस नॉलेज ऑफ साइंटिफिक बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. कैसे होता है, क्या होता है, ये नहीं हमें पता. ठीक है, ये हम कहते हैं क्योंकि हमें कोई रिटर्न जो है उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले. अदरवाइज आई डू नॉट एग्री कि मेंडल से पहले जो है हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी. ऐसा होना जो है वो मुश्किल है क्योंकि बेटा देखो, आई डोंट नो कि महाभारत, रामायण ये कितनी सच है, ये एपिक्स है, ये थे या नहीं थे. बट वट आई से कि हम कहते हैं कि जब कौरव हुए तो कौरव को क्या था कि एक उनको एक स्किन का पीस, मांस का एक लोथड़ा दिया गया था, उसके पीसेस करके फिर उनको घड़ों में डाल दिया था. ये उसमें लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, बट ये उसमें लिखा है कि घड़ों में डाल दिया था और फिर उसमें से 100 या 101 बच्चे हुए थे, क्योंकि 100 तो भाई थे और एक लड़की भी हुई थी. ठीक है, तो वट एवर. ठीक है, तो 100 जो है, अगर हम कहें कि 100 कौरव जो है ऐसे मेथड से हुए थे, सो दिस इज सेम एज दैट ऑफ टिश्यू कल्चरिंग. ठीक है, जैसे हम प्लांट्स की करते हैं, हम एनिमल्स की अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए और ह्यूमंस की तो अभी तक नहीं सक्सेसफुल हुए कि यहाँ से स्किन उतारो और उससे पूरा ह्यूमन बना दो, ऐसा नहीं है. बट अगर उस टाइम ऋषि वेद व्यास ने ये ग्रंथ लिखा हुआ था या नहीं हुआ था, तो इस हम क्या चीज लिख सकते हैं जो हम इस टाइम आसपास देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है. हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं कि लेट अस से बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, हम इस तरफ से या जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, एक स्किन के पीस से बिल्कुल ऑर्गेनिज्म बन सकता है. तो इसका मतलब अगर ऋषि वेद व्यास को ये चीजें पता थी या उस टाइम भी साइंस इतनी डेवलप थी, तभी वो इस बारे में लिख पाए, ऐसे नहीं लिख सकते. ठीक है, तो ऐसा कहना कि उस टाइम उनको नॉलेज नहीं थी, ये गलत है. बट हाँ, हमें नहीं पता कि उनको ये नॉलेज थी या नहीं, क्योंकि हमें रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं. और रिटन डॉक्यूमेंट इसलिए भी नहीं मिले हैं क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने, या बहुत सारे मुगल्स जब आए तो उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज जो है वो तबाह कर दी. तक्षशिला एंड ऑल दैट, जितनी थी ये यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी, वो सब उनकी लाइब्रेरीज जला दी, उनकी सारा लिटरेचर जला दिया, तो हमें मिला ही नहीं. ठीक है, मैं फॉरेन कंट्रीज का, वहां का लिटरेचर क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ का लिटरेचर सब कुछ खत्म हो गया और उसके साथ बहुत सारी चीजें भी खत्म हो गई. ठीक है, तो बट आपकी बुक में ये लिखा तो हम यही मान के चलेंगे कि उस टाइम उनको नहीं पता था. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. बीच बीच में मुझे यस नो की जाया करो, कुछ बताया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि यू आर देयर इन द क्लास. कोई अपना वीडियो ऑन कर लिया करो बेटा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. आ जाइए जी, नेक्स्ट आ जाइए. मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज ग्रिगोर जोहान मेंडल
मैथमेटिशियन, एंड ए नेचुरलिस्ट। ही वॉज ए प्रीस्ट इन ए चर्च इन ऑस्ट्रिया। और जिस चर्च में वो काम करता था वहीं पीछे किचन गार्डन था जहां पर उसने मटर उगाए और आगे काम किया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। He worked on garden pea plant botanical name kya hai iska Pisum sativum kyun garden pea pe hi kyun बिकॉज फर्स्ट है इजी टू ग्रो, सबसे पहले तो इजी टू ग्रो एंड इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता था इनको ग्रो करने में। सेकेंड पॉइंट शॉर्ट लाइफ स्पैन, हर 3 महीने बाद इसकी एक क्रॉप आ जाती है। थर्ड थिंग हैज मेनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, सच एज टॉल एंड ड्वार्फ। कुछ प्लांट्स बहुत छोटे थे और कुछ प्लांट बड़े बड़े थे, ऐसा नहीं था कि कोई इंटरमीडिएट हाइट के, नहीं, डिस्टिंक्ट करेक्टर्स थे, या येलो फ्लावर्स थे या यू नो या व्हाइट फ्लावर्स थे या वायलेट फ्लावर्स थे, या पॉड का कलर येलो था या ग्रीन था, ये नहीं कि भी बीच की भी कोई चीजें हैं, ऐसा नहीं था, राइट। देन दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ सीड्स इन वन जेनरेशन, तो इसलिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता था। उन सब सीड्स को ग्रो करो तो पता चल जाता था इस प्लांट से ये लगे हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है वो मिल जाता था। दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट। अनदर इज मेंडल वॉज सक्सेसफुल in formulating various laws because बाकी भी लोग काम कर रहे थे तो मेंडल ही क्यों, उसने ऐसा क्या किया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ही यूज्ड लार्ज सैम्पलिंग मटीरियल। उसने एक साथ, अगर टॉल प्लांट पे काम करना है तो एक टॉल प्लांट पे नहीं, बहुत सारे टॉल प्लांट्स को देखता था वो, ठीक है, एक दो पे काम नहीं करता था, बहुत सारों हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स पे काम करता था। सेकेंड है ही कैलकुलेटेड His data statistically, he calculated his data statistically. He studied
वन और टू करेक्टर्स एट ए टाइम एंड नॉट ऑल. सभी करेक्टर्स को एक साथ नहीं, एक या दो करेक्टर्स एक साथ स्टडी करता था. ही सेलेक्टेड ओनली दोज करेक्टर्स हूज इनहेरिटेंस डज नॉट अफेक्ट अदर करेक्टर. पूरा लिखना ही करेक्ट, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ही वाज सक्सेसफुल. ठीक है, ये करो नोट. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि ही कंडक्टेड, लिख लो साथ में, ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 ईयर्स 1856 टू 1863. ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट फॉर 7 ईयर्स एंड देन प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. प्लीज इयर्स रिपीट करना. 1856 टू 1863. एक बार लाइन रिपीट कर दो प्लीज. ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स दैट इज फ्रॉम 1856 अप टू 1863 and then proposed laws of inheritance. His laws are results were based on एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. मैम प्लीज ये लाइन रिपीट करना. हिज लॉज वाला. हिज लॉज और रिजल्ट्स वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स. ही पब्लिश हिज डाटा इन एन अननोन जर्नल. ही पब्लिश हिज डाटा इन एन अननोन और नॉट वेरी फेमस जर्नल. दैट इज नाम क्या था? एनुअल प्रोसीडिंग्स. जर्नल का क्या नाम था? एनुअल Annual Proceedings of Brunn Natural Science Society in 1866. He died
in 1884. Mendel died in 1884 without knowing that he had laid the foundation of genetics. He had laid the foundation of genetics. He was not recognized till 1901. मर गया, सब कुछ हो गया, पर उसको किसी ने रेकोगनाइज नहीं किया. बिकॉज सबसे पहले पॉइंट तो जो था वो था, ध्यान से पहले मेरी बात सुनना है. मेंडल re-experimented on plant, एक और प्लांट था, on plant hibiscus. He repeated his experiments on another plant, but could not get same results. उसको अपने अनुसार वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके या वो उनको इंटरप्रेट नहीं कर सका ज्यादातर. He himself was not sure about his work. वो खुद ही नहीं था कि ऐसा होता भी है कि नहीं. और तीसरा, at that time people were more fascinated with Darwin's theory of evolution या Darwin's theory of natural selection. उस टाइम हर जगह जो है वो डार्विन डार्विन चल रहा था. डार्विन ने ये किया, अब ये करके देखे, डार्विन ने ऐसा किया वैसा किया, तो किसी ने मेंडल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है, तो दीज वर द रीजन व्हाई ही वाज नॉट रेकॉग्नाइज्ड. और उसके बाद 1901 में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को मेंडल की याद आई. इन 1901 three independent scientists that is kon kon se the, Hugo de Vries pura naam hai, na pura hi likho, Hugo de Vries, Fisher Mark and Karl Korens. ये तीनों ने, तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे. Reached on similar conclusions. As that of Mendel. Independently, अलग अलग. ठीक है, जो कार्ल, दे पब्लिश्ड देयर डाटा इन द नेम ऑफ मेंडल. उन्होंने खुद पब्लिश तो किया, बट उन्होंने ये बताया
कि हाँ भाई हमारा डाटा भी मेंडल से मिलता है, मेंडल ने ये सबसे पहले फाइंड आउट किया था, ठीक है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। एंड कोरेंस बेटा, जो अगर हम कहें मेंडल ने अपना डाटा दिया, कंक्लूजन दिए, उनको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऐसे नाम नहीं दिए थे। इट वॉज कार्ल कोरेंस, कोरेंस वॉज द वन who summarized Mendel's work in three laws of inheritance. उसने उनको फिर तीन लॉज में समेटा, ठीक है, मतलब नाम दिए उन लॉज को, ठीक है। मेंडल ने नाम नहीं दिए थे उसे, तीन लॉज ऐसा बना डिस्क्राइब कर दिए थे ऐसा ऐसा, उसके बाद कार्ल कोरेंस ने उसको नाम दिए उन लॉज, राइट। तो उससे पहले मेंडल का कोई नहीं जानता था, उसके बाद 1901 में इन तीन साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वह काम किया और देखा कि ये मेंडल ने भी यही काम किया था, सेम चीजें हैं, तो उन्होंने अपना क्रेडिट, सारा क्रेडिट अपने पे नहीं लिया, उन्होंने कहा नहीं भाई ये चीज सबसे पहले मेंडल ने की थी, जिसके बाद मेंडल को कहा गया दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा करैक्टर स्टडीड बाय मेंडल। Characters and their contrasting traits studied by Mendel. तो सबसे पहले आ जाता है, यहां आ जाएगा करैक्टर और फिर इस कॉलम में आ जाएगा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो पता चलेगा अभी आपको इसका क्या मतलब है। करैक्टर पहला आ गया स्टेम हाइट, HT मतलब हाइट। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या है, कुछ प्लांट्स टॉल है और कुछ ड्वार्फ है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फ्लावर कलर, द फ्लावर्स मे बी वायलेट और वाइट। Then flower position या तो terminal है या axial है, axial या terminal, axial terminal मतलब plant के tip पे है या किसी branch के tip पे है, axial का मतलब है कि नीचे branch के, let us say ये branch है तो ये flower है और terminal है ये प्लांट, राइट। देन पॉड शेप, जो पॉड होती है, जो मटर की पॉड होती है, जिससे हम मटर खरीदते हैं, तो जो पॉड है जो पॉड शेप है, इट मे बी इनफ्लेटेड, फूली हुई है या फिर पिचकी हुई है, कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट इज पॉड कलर, जनरली ग्रीन होता है बट इट कैन बी येलो ऑल्सो। देन जो उसके बीच में से सीड्स निकलते हैं, सीड शेप, दे मे बी राउंड और कॉन्स्ट्रक्टेड, उबड़ खाबड़ से,
they may be constructed. Then seed color. कलर देखो तीन आ गए हैं. Seed color, they can be yellow or green. These are the constructed. These are the contrasting traits. कुछ plants tall है, कुछ dwarf है. कुछ में violet. ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्लांट में दोनों प्लांट्स हो, वायलेट भी व्हाइट भी. नहीं, ऐसे मिक्सचर नहीं है. कुछ प्लांट्स में वायलेट फ्लावर्स होंगे, कुछ में व्हाइट होंगे. किसी प्लांट्स में एक्सियल फ्लावर्स होंगे, किसी में टर्मिनल. किसी में पॉड कलर ग्रीन होगा. ऐसे नहीं कि एक प्लांट में दो टाइप के पॉड्स है, ग्रीन येलो. ऐसा नहीं होगा. किसी में ग्रीन पॉड्स है, किसी में येलो पॉड्स है. इस तरह से दीज वर द सेवन कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल. ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया? Mendel, you know, prepared pure breeds, yeah, pure forms of each character by selecting for many generations. जैसे उसने क्या किया, पहले पहले उसने एक सैम्पलिंग साइज ले लिया, क्वाड्रेंट ले लिया, जिसमें उसने हाइट डिस्कस करनी है. यहाँ पे बाकी का कुछ नहीं देखना, सिर्फ हाइट वाले प्लांट्स. उसने टॉल प्लांट्स लिए. मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया. टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग की. सेल्फिंग का मतलब है उसी फ्लावर के पोलन और उसी की ओवरी, वहीं से पोलन लेके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल दिया. ठीक है, सेल्फिंग की. कुछ प्लांट्स टॉल मिले, टॉल प्रोजनी, जो सीड्स मिले जब उनको ग्रो किया, जब सेल्फिंग के बाद जो सीड्स मिले उनको जब दोबारा से ग्रो किया तो कुछ टॉल निकले और कुछ ड्वार्फ निकले. उसने इनको डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्डेड. उसने जो टॉल प्रोजनी थी उसकी फिर सेल्फिंग की, फिर सीड्स निकले, फिर ग्रो किया और फिर मेनी टॉल और फिर इसमें फ्यू ड्वार्फ निकली. उसने इनको फिर डिस्कार्ड कर दिया, इसकी फिर सेल्फिंग की, सेल्फिंग. और उसके बाद जो सीड्स मिले उनको ग्रो किया. लेट अस से मैंने तो तीन बार में कर दिया, हो सकता है उसने चार बार, पांच बार, छह बार किया हो. वी कांट से. तो ऑल टॉप. फिर सेल्फिंग की, फिर देखा, फिर उसको ऑल टॉल मिले. तो इसका क्या मतलब है? दीज आर यू नो प्योर फॉर्म ऑफ टॉल प्लांट्स. इसमें कोई मिक्सचर नहीं है. ये जितने भी सीड्स बनाएगा वो सभी टॉल होंगे. आगे चल के भी जितने बनाएगा वो टॉल होंगे. इसी तरह ड्वार्फ प्लांट में सेल्फिंग की तो प्योर ड्वार्फ बनाए. इसी तरह वायलेट फ्लावर्स वाले प्लांट्स की सेल्फिंग की, प्योर प्लांट्स बनाए फॉर वायलेट फ्लावर्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसने प्रिपेयर किया द प्लांट्स विद प्योर फॉर्म्स.
राइट बाय कॉन्टिन्यूड सेल्फिंग फॉर मेनी जनरेशन. ठीक है जी, लिखो पहले ये करो फिर हम आगे करते हैं. चलिए नेक्स्ट लिखिए. इन दिस वे he produced pure lines of all the 14 traits. 14 क्योंकि 7 characters थे, हर एक की दो contrasting traits थी, तो all the 14 traits pure lines. Ma'am, हाँ जी बेटा. Ma'am, please repeat. हाँ, in this way he produced pure lines of all the 14 traits. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका क्या था, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, वो हम कल करेंगे क्योंकि कल फिर वो प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन का मेथड होगा, तो वो हम कल बताएंगे आपको. ठीक है, अभी तक मेंडल ने क्या किया, प्योर टॉल ले लिए, प्योर ड्वार्फ ले लिए, प्योर वायलेट फ्लावर्स ले लिए, प्योर व्हाइट फ्लावर्स ले लिए, इस तरह से हर करेक्टर का उसने प्योर लाइन प्रोड्यूस कर. इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम. ठीक है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन हम कल करेंगे.